हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बैंकिंग कॉर्नर। आज मैं आपके साथ करंट अफेयर्स डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि आरबीआई और एसबीआई के क्लर्क मेंस या क्लर्क मेंस में पूछा जा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं प्री हो चुका है, तो अब मेंस की तैयारी हमें शुरू करनी है और करंट अफेयर्स इज गोना प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अगर आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो चलिए आइए, ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं लास्ट टू मंथ्स के। आई थिंक इट्स फ्रॉम दिसंबर एंड जनवरी। ओके, तो चलिए 20 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, नसीम अल बहर एक्सरसाइज इज बीइंग कंडक्टेड बिटवीन विच कंट्रीज। नसीम अल बहर जो एक्सरसाइज है वो कौन से देशों के बीच किया जाता है? द आंसर इज सी, इंडिया एंड ओमान, भारत और ओमान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्मा वोडी स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। अम्मा वोडी जो स्कीम है वो कौन से स्टेट की है? द आंसर इज ए, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर वाले से रिलेटेड है, ऊपर वाले क्वेश्चन से, कि ये जो अम्मा वोडी स्कीम है, हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी गिवन इन अम्मा वोडी स्कीम। अमावडी स्कीम में फाइनेंशियल असिस्टेंस कितनी दी जाएगी? आंसर इज बी, 15,000, 15,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक इज बेस्ड इन विच सिटी। जो ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये कौन से स्टेट में स्थित है, सॉरी सिटी में स्थित है? द आंसर इज सी, त्रिशूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड खेलो इंडिया गेम्स वॉज होस्टेड इन विच सिटी। तीसरा जो खेलो इंडिया गेम्स हुआ था वो कौन से सिटी में आयोजित किया गया था? द आंसर इज या ए, गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर पावर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एमओएस कौन है अभी पावर का, ये पूछा है। द आंसर इज राजकुमार सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, द कैपिटल सिटी ऑफ लेबनन इज। डी, बेरूत। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जो भी बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनको ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए। द आंसर इज सी, आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच स्टेट। जो टूरिज्म डे होता है, वर्ल्ड टूरिज्म डे, वो कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है? द आंसर इज ए, 27th September। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल भूजल योजना वॉज लॉन्च्ड इन विच स्टेट। अटल भूजल योजना जो थी वो कौन से स्टेट से लॉन्च की गई थी, सॉरी डेट, कौन सी डेट को लॉन्च की गई थी, सॉरी मैं स्टेट पढ़ लिया गलती से। अटल भूजल योजना वॉज लॉन्च्ड ऑन विच डेट? द आंसर इज ए, 25th December 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the full form of ASER? ASER का full form क्या है? The answer is A, Annual State of Education Report. Next question. Who was Ganga Prasad Vimal? The answer is Hindi author. What is the full form of MDR? ये आपके IBPS क्लर्क के मेंस में भी पूछा गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। The answer is A, merchant discount rate. Next question, RBI launches PPI. What is the full form of PPI? Very easy question and very basic one.
प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, ये हाल ही में लॉन्च हुआ था। वीजा सेफ क्लिक वॉज लॉन्च बाय विच फर्म, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्लिपकार्ट, आफ्टर द ब्रेक्सिट द ईयू विल रिमेन अ यूनियन ऑफ हाउ मेनी स्टेट, सो आफ्टर ब्रेक्सिट द ब्रेक्स द यूरोपियन यूनियन विल रिमेन अ यूनियन ऑफ हाउ मेनी नेशंस, आंसर इज बी 27। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्लियामेंट्री फोर्स हैज अनाउंस्ड टू ऑब्जर्व 2020 एज द ईयर ऑफ मोबिलिटी, CISF। एटींथ, राजेश रंजन इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ विच फोर्स, राजेश रंजन जो है वो किस किस फोर्स के डायरेक्टर जनरल है, CISF। KWF फर्म इज इन विच कंट्री, आंसर इज जर्मनी, ये जर्मनी की फर्म है। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड इन विच सिटी, अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द आंसर इज सी परदीप। सो गाइस, ये हो गए हमारे आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे ही मैं आपके साथ टाइम टाइम पे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस SBI क्लर्क या RBI असिस्टेंट मेंस के पेपर के लिए लेकर आता रहूँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिले और मैं और भी अच्छा अच्छा कंटेंट आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच।